पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के रूप में पहला दलित सीएम बनने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि अकाली बसपा और बीजेपी और आम आदमी पार्टी बेशर्मी से चन्नी जी की उम्मीदवारी पर हमला कर रहे हैं। मैं पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी किसी दलित को बीजेपी का सीएम बनाया है? नहीं, आज देश में सिर्फ एक दलित सीएम है, वो आज कांग्रेस का है। हमारे बाकी दो सीएम ओबीसी समुदाय से आते हैं। में दर्द है, कभी किसी बात को लेकर कभी छींटा कशी करके वो चरणजीत सिंह चन्नी और दलितों का अपमान करने की कोशिश और साजिश कर रहे हैं। पर ये तो बता दें मोदी जी, दलितों के नाम पर वोट तो मांगते हैं, पर क्या आपने हिंदुस्तान में किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाया भाजपा शासित प्रदेश का? कांग्रेस पार्टी ने चाहे देश के राष्ट्रपति बनाने की बात हो, चाहे विधानसभा का स्पीकर बनाने की बात हो, चाहे देश का पहला गृह मंत्री बनाने की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वंचित और शोषित वर्गों को अनेकों बार अनेकों प्रांतों में देश में अनेकों बार पहल करके स्थान दिया है। और पंजाब के मुख्यमंत्री और दोनों मुख्यमंत्रियों को, पंजाब के बहादुर विधायकों को मैं मुबारकबाद भी दूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बनते ही पहला निर्णय जो हमारे मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार ने किया है वो है किसान, दलित और पिछड़ों के पानी, सीवरेज और बिजली के बिलों। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।